जिनको लगता है कि जातिगत गणना करवाने से जातिवाद बढ़ जाएगा, हमको लगता है कि उनका तर्क वही है कि एक्सरे अगर करवा लेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। कि आप हमें किसी गांव में ले चलेंगे, हम ये बता सकते हैं कि किस जाति का गांव है बगैर किसी से पूछे। आज ही समाज में जाते हैं तो उनका मतलब मिट्टी का घर रहता है, झोपड़ी रहता है, घर रहेगा झोपड़ी रहेगा वो तो उनका अपना हो गया जी। लेकिन सरकार की सड़क भी नहीं रहेगी, नाली भी नहीं रहेगा, गली भी मिट्टी का रहेगा, विद्यालय भी नहीं रहेगा, तो आप जाति पता कर लेंगे, एकदम चकाचक है तो आप समझ जाएंगे किस जाति का है। जातिगत जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन जोर शोर से सवाल उठा रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए इस देश में, किन लोगों की क्या हिस्सेदारी है और उनको किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, इसके लिए आगे की योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूँ कि जातिगत गणना करवानी चाहिए और जिनको लगता है कि जातिगत गणना करवाने से जातिवाद बढ़ जाएगा, हमको लगता है कि उनका तर्क वही है कि एक्सरे अगर करवा लेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। अच्छा। एक्सरे से बीमारी नहीं बढ़ती है, एक्सरे से बीमारी का पता चलता है जी। जातिगत गणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा, बल्कि जातिवाद कैसे काम कर रहा है, कैसे कुछ तबका पीछे रह गया, कैसे कुछ तबका बेहतर है, कैसे किस कुछ तबके को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसका एक ठोस आंकड़ा सरकार के पास आएगा, तब आप प्लानिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे। इंजीनियर संदीप सौरभ को क्या लगता है कि बिहार में जातिवाद है? है जातिवाद बिहार में क्यों, पूरे देश में है। जातिवाद के आधार पर राजनीति भी होता है, वोट भी होता है। समाज व्यवस्था जी के अंदर जातिवाद एक रूढ़ी की तरह स्थापित हो गया है जी। और हिंदू धर्म का मतलब ही होता है जातियों का एक समूह जी, यही हिंदू धर्म का बहुत पुराना परिभाषा में है, वर्णाश्रम व्यवस्था जिसके कोर में काम करता हो जी। और वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, समाज को चार हिस्सों में बांट दीजिए, ये दलित होगा इसका काम होगा सेवा करना, ये वैश्य होगा इसका काम होगा ये करना, वो क्षत्रिय होगा उसका काम होगा, जो ब्राह्मण होगा उसका काम होगा जी। ये वर्णाश्रम व्यवस्था में बांट दिया गया, सदियों से इस पैटर्न पे देश चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की राजनीति ने भी उसको आत्मसात कर लिया जी। अभी बिहार में जाति के इर्द गिर्द राजनीति होती है, ये आप मानते हैं? राजनीति को अगर बेहतर करना था तो जाति को तोड़ना चाहिए था जी। बहुत बड़ा कंसर्न था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कि जाति का उन्मूलन कैसे हो जी। कंसर्न था। अब हम देख रहे हैं कि जाति का उन्मूलन की तरफ तो किसी का ध्यान छोड़ दीजिए जी, बल्कि जाति की जो अच्छा उन्मूलन भी होना है तो उसका सच्चाई को स्वीकार करके ही होना है जी। ऐसा नहीं कि जातिगत गणना नहीं कराएंगे चुपचाप बैठे रहेंगे तो जातियां खत्म हो जाएंगी, नहीं, आप उन्मूलन भी जातियों का करेंगे तो ये जो जातिगत भेदभाव है जी, या जाति के आधार पर समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक संसाधनों का शिफ्टिंग हुआ है ऐतिहासिक कारणों से, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे बगैर गिनती के, बगैर आंकड़े के, बगैर ठोस प्लानिंग के जी। या एग्जाम्पल के लिए अभी आप देखिए कि बिहार में जो अभी राजनीतिक पार्टियां, क्या लगता है ये लोग जातिवाद मिटाने के लिए मैंने अग्रसर हैं या जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियों की बात अलग है लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात अगर करें तो ऐसा देख कर लगता है उनके बयानों से प्रतीत होता है कि वो विकास के मुद्दे पर कम, जाति के मुद्दे पर अधिक चुनाव लड़ना चाहते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है जी। सोसाइटी में जातिवाद नहीं रहेगा और पॉलिटिक्स में जातिगत रहे जातिवाद रहेगा, ऐसे नहीं होता है जी। सोसाइटी में जो है वही पॉलिटिक्स में आपको दिखेगा, तभी उसका लाभ ले पाते हैं लोग, क्योंकि सोसाइटी में ही उनको पॉलिटिक्स करना है, राजनीति सोसाइटी के अंदर ही होना है जी। तो समाज में जातिवाद अगर है, आप देखिए किसी भी इलाके में, हम तो 3-4 साल से बिहार में बहुत करीब से हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं जी। उससे पहले विश्वविद्यालयों में और छात्र नौजवानों में काम करते थे जी। अभी मेरी स्थिति है कि आप हमें किसी गांव में ले चलेंगे, हम ये बता सकते हैं कि किस जाति का गांव है बगैर किसी से पूछे, उसके गांव का सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, उसके विकास का जो विकास की जो स्थिति है जी। कहाँ भी देखते हैं, माझी समाज में जाते हैं तो उनका मतलब मिट्टी का घर रहता है, झोपड़ी रहता है, घर रहेगा झोपड़ी रहेगा वो तो उनका अपना हो गया जी। लेकिन सरकार की सड़क भी नहीं रहेगी, नाली भी नहीं रहेगा, गली भी मिट्टी का रहेगा, विद्यालय भी नहीं रहेगा तो आप जाति पता कर लेंगे, एकदम चकाचक है तो आप समझ जाएंगे किस जाति का है जी। थोड़ा बीच में है, कहीं गोबर गिरा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं इंक्रोचमेंट है, कंजस्टेड है, कुछ पक्का कुछ कच्चा है, तो आप समझ जाएंगे किसका जाति है जी। तो विकास की जो परिभाषा लोगों ने गढ़ी वो फाइल में चाहे जैसे हो जी, लेकिन जमीन पे हकीकत यही है कि विकास की भी अपनी जाति होती है और कुछ कुछ ही लोगों तक विकास की रोशनी पहुंच पाएगी, कुछ ही लोगों तक पहुंची है और
कई लोगों की कीमत पर पहुंची है। अभी ये अटल पथ जो आप देख रहे हैं बगल में, यहाँ कितने गरीब लोग इसके किनारे बसे हुए थे, रह रहे थे, तो ये तो अटल पथ बन गया एकदम फोर लेन, लेकिन उनको कहीं बसाया नहीं। लेकिन वहां से जिनको हटाया गया वो आज कहाँ है कोई नहीं जानता है। तो जिनकी छाती पर पुल बनाया गया वो आज खुद कहाँ है, कहाँ दबे हुए हैं कोई नहीं जानता है। तो यही स्थिति है। चलिए चलते चलते एक और सवाल जानना चाहेंगे।